हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बच्चों इन कहानियों से दूर रहें, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। दोस्तों, आज की कहानी है ब्लड बैंक। जी हाँ दोस्तों, वीरेन एक डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए शहर पहुंचा और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे वह डिग्री हासिल हो गई और वह एक अस्पताल में अपना कार्य संभालने लगा। इत्तेफाक से एक दिन एक ऐसा केस आया कि एक बुज़ुर्ग इंसान जिसका साथ एक्सीडेंट हो गया था, उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ गई और बहुत खोजने के बाद उस अस्पताल में और आसपास उसके ग्रुप का ब्लड नहीं था। तुरंत ही उसे खून नहीं दिया गया तो उसकी प्राण निकल जाते। डॉक्टर ने सोचा, अरे यार, इसे तो वही खून चाहिए जो मेरा है, मैं इसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं भला क्यों खून दूँ। हाँ, मेरी तो अभी शादी होने वाली है, अभी से इन पचड़ों में पड़ गया तो, और फिर मरीज है उस और बुज़ुर्ग है, नहीं, मैं नहीं दूंगा। और यह कहते ही थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने अपना इरादा बदल दिया और वह बुज़ुर्ग इंसान इस संसार को अलविदा कह गया, उसके प्राण निकल गए। डॉक्टर होने के नाते इसने कोई ख़ास अफसोस जाहिर नहीं किया और अपने गांव लौट आया। इसकी शादी होने वाली थी, इसने अपनी शादी की और अपनी पत्नी को लेकर मनाली हनीमून के लिए निकल गया। उन्होंने हनीमून मनाया और जब वहाँ से वापस आ रहे थे, रात का समय था, जंगल से गाड़ी इनकी गुजर रही थी और ये स्टार्ट म्यूजिक करके मस्ती में डूबे हुए थे और तभी अचानक एक हादसा हो गया। एक ट्रक इनकी गाड़ी से टकरा गया और इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, एक झाड़ से टकरा गई गाड़ी। दोस्तों, डॉक्टर को तो कोई ख़ास चोट नहीं आई, लेकिन इनकी पत्नी को काफ़ी चोटें आईं। किसी तरह यह अपनी पत्नी को लेकर पास के अस्पताल में पहुँचे और वहाँ पे जाके डॉक्टर ने वहाँ के कहा कि देखिए, आपकी पत्नी को ये जो ग्रुप है ना, इसका ब्लड चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तुरंत इंतजाम कीजिए। डॉक्टर ने देखा कि इनकी पत्नी को तो वही ग्रुप का खून चाहिए था जो उनका है। डॉक्टर से इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप एक काम करिए ना, मेरा खून इन्हें दे दीजिए। और डॉक्टर ने कहा, आपका तो खुद इतना खून बह चुका है। नहीं, आपका खून हम अभी नहीं दे सकते, आप तुरंत खून का इंतजाम करिए। और इन्होंने अपने दूसरी गाड़ी वहाँ से इंतजाम करके शहर की तरफ निकल पड़े खून की तलाश में। यह सोचते हुए जा रहे थे, देखो क्या दिन आ गए हैं, उस दिन मैंने उस बुज़ुर्ग को खून नहीं दिया और आज मेरा खून मेरी पत्नी के भी काम में नहीं आ रहा है। और यही सोचते सोचते इनकी नज़र जंगल में एक जगह पर पड़ी। देखा तो वह कोई हॉस्पिटल था। अरे ये क्या, लगता है ये हॉस्पिटल है। और इन्हें आंखें इनकी भर आईं जब इन्होंने देखा कि उसी के नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा था ब्लड बैंक। और ये उस रात गाड़ी को साइड में लगा के हॉस्पिटल के अंदर घुसे। आसपास इन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तब ये ब्लड बैंक के अंदर जाने लगे। तब इन्होंने दरबान से पूछा, कोई है अंदर? हाँ, अंदर जाइए, आपको क्या चाहिए? मुझे भाई तुरंत इस ग्रुप का खून चाहिए। तो ठीक है, चले जाइए अंदर, आपको मैडम मिल जाएंगी। और ये अंदर गए, देखा कि काफ़ी सन्नाटा था। और चलते चलते जब ये उस कमरे में पहुँचे जहाँ ब्लड रखा जाता था, तब ये चौंक गए। ऐसी पूरी तरह इन्हें चक्कर आ गया। इन्होंने देखा कि वहाँ जो लेडीज मौजूद थी बहुत ही भयानक थी और एक बोतल को खोलकर उसका खून पी रही थी। यह चीखे मारते वहाँ से दौड़ी। तब तक अस्पताल का दरवाज़ा बंद हो चुका था और थोड़ी ही देर में वहाँ का मंजर बदल गया। अस्पताल एक खंडहर में बदल गया। यह दहाड़े मार मार के रोने लगे। तब तक वहाँ से गुजरती हुई
एक पुलिस की जीप ने इनकी आवाज सुनी। वह जीप इधर आई और डॉक्टर साहब को किसी तरह बाहर निकाला। उन्होंने पूछा, आप कौन है और अंदर क्यों गए थे? यहाँ क्या कर रहे हैं आप इस खंडहर में? खंडहर? ये तो ब्लड बैंक था, मैं ये सोच के आया था, लेकिन मैंने अंदर आके देखा कि वो जो लेडीज थी खून पी रही थी। आप पागल हो गए क्या? यह किसी जमाने में हॉस्पिटल हुआ करता था, एक हादसा होने के बाद तो यह खंडर में बदल गया है, यहाँ कोई नहीं आता। आप लगता है दिमाग से कमज़ोर हो चुके हैं, चलिए चलिए। और पुलिस ने इन्हें कुछ पूछताछ करके वहाँ से छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट।